मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको उठा के इधर भेज दिया, तो इतना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिया, ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया पहले वाले के पास। इन दोनों में समानता था तो मैंने बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब से लिख दिया। इसी तरीके से सिमिलर अब तीसरा इक्वेशन ये था बच्चा, इसमें भी मैंने सी की जगह पे ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दिया। अब मैं सबको मल्टीप्लाई किया और ये साइन वाला पार्ट उधर भेज दिया, इसको 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 और इसको, इसमें से ये सारा चीज कॉमन लेके इसको मैंने उधर भेज दिया ये वाले पार्ट। तो जब इसमें से कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट इधर आ गया। अब मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया, क्या कर लिया स्क्वायरिंग, बोथ स्क्वायरिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। देखिए इस थर्ड इक्वेशन का देने का मतलब था, उसने आपको क्लू दे दिया था, ठीक है, याद दे दिया था क्लू, हम लोग क्वेश्चन में आपसे पढ़ते ही नहीं। अब उसके बाद ये सारे वैल्यू को रखा मैंने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया, ये दोनों बढ़ गया, ये बच गया कॉमन, ठीक है।